हे व्हाट्स अप गाइस, तो थक हार कर हम फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। हम चल रहे हैं गाइस पिछले आधे घंटे से और हम आ चुके हैं लगभग पैदल पैदल 4 किलोमीटर दूर। और ये आदमी पूरी तरीके से थक चुका है और मैं भी पूरी तरीके से थक चुका हूँ। बालों की हालत देख सकते हो आप, घर से फ्रेश होकर चले थे बट यहाँ पर आते आते हालत हो चुकी है खस्ता। और गाइस लोकेशन जो है, हम जिस लोकेशन पे आने वाले थे वो लोकेशन पूरी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे पेड़ थे बट वो सारे पेड़ कट गए हैं अभी, तो सारी लोकेशन हो गई है वहाँ की ख़त्म। तो फिलहाल हमें ये लोकेशन मिली है, पीछे वहाँ पे एक पेड़ आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा ब्लर जो पेड़ भी हो रहा है, इस पेड़ की लोकेशन में बनाने वाला हूँ अभी, यहीं पर हम शूट करेंगे। सोचा कि कुछ ना होने से गाइस कुछ हो जाना अच्छा है, तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। काफ़ी टाइम बाद एक फोटोशूट व्लॉग आ रहा है, तो देखते हैं कि आज कैसे फोटोज हमारे निकल के आते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यार अभी तो शुरू भी नहीं हुई, चलो तो हाँ फिर शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हमारे फोटोज कैसे निकल के आते हैं। बाय द वे मेरे साथ है आज अजीम, जो कि अभी झांझ में बैठा है यहाँ पे और ऐसे करके दिखा, हेलो हेलो बोल, हेलो अबे छक्को वाला रियल वाला हेलो। हाँ तो ये रियल वाला हेलो था उसका, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फिलहाल हम दोनों ही हैं, मुझे नहीं पता मैं फ्रेम में आ रहा हूँ नहीं, मैंने क्योंकि सेट कर रखा है। और ये जो माइक है इसे उतार के भी वहाँ लगाने वाला हूँ। अजीम वहाँ जाके बैठ गया, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वहाँ जाके देखता हूँ भी दिख रहा है क्या। हाँ तो गाइज आपको यहाँ पर अजीम भी दिख रहा है, बाकी अभी मैं माइक वाइक उतार के रख देता हूँ यहाँ पे और अभी हम शूट करते हैं। हर पोज के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा और थोड़ा सा कैमरे का एंगल वगैरह थोड़ा गलत हो तो एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा उसको आगे जाके रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने भी निकाल लिया है, आपको दिख गई होगी, अब मैं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं आ रहा हूँ। तो अजीम की ये फोटोज़ हमने विदाउट फ्लैश निकाल ली हैं और दो तीन फोटोज़ विदाउट फ्लैश निकालते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे आती है, उसके बाद मैं शूट कराऊंगा। बाय द वे इस पेड़ का बैकग्राउंड बहुत सेक्सी आ रहा है और फोटोज़ पे मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी लाइट्स में यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि धूप काफ़ी हार्श है, तो धूप से ही अच्छी खासी हमारी जो है लाइटिंग आ रही है। इस लाइट कंडीशन में फ्लैश का यूज़ करना आई थिंक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ और पोर्ट्रेट्स निकालते हैं और अगर थोड़ी सी धूप ढलती है तो तब हम फ्लैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिर वापस से वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइज फिलहाल इसने मेरी माथे की माँ बहन करने के बाद दो पोजेस दी हैं, तो अभी मैं पोजिंग स्विच करता हूँ, पोजिंग मैं करूँगा, शूट अजीम करेगा, तो ये वाली फोटोज आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए पोजिंग को भी स्विच करते हैं, ठीक है। अब माइक में नहीं बोला मैंने पर आवाज़ ठीक आई होगी गाइज एडजस्ट।
है। हाँ तो गाइज, सबसे पहली बात, मेरी फ़ोटोज मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, माशाल्लाह मेरी फ़ोटो अच्छी आ रही है, तो मैं भी और फ़ोटोज़ खिंचवाने का प्रयास करने वाला हूँ। और ये सलाह मुझे दी है अजीम ने, तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि मेरी फ़ोटोज़ ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मुझे बाय द वे मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत पसंद आई हैं। तो अभी कुछ फ़ोटोज़ मैं और क्लिक कराने वाला हूँ, मैं अभी प्रॉपरली मुतमईन यानी कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ अपनी फ़ोटोज़ से, तो मैं और फ़ोटोज़ को क्लिक करने वाला हूँ और डिफरेंट लोकेशन पर हम जाने वाले हैं अभी और अच्छी फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी और फ़ोटोज़ कैसी आती है। मुझे नहीं पता चला अभी कब मेरा फ़ोन बंद हो गया है। ये जो मैं एंडिंग शूट कर रहा हूँ ये अजीम के फ़ोन से कर रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी टेस्ट करा, आवाज़ एक जैसी आ रही है। तो हम वहाँ पे भी शूट कर रहे थे और शूट करते करते कब मेरा फ़ोन बंद हो गया मुझे ये भी नहीं पता। तो पता नहीं, मेरे को भी घर जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक की पोजेस उसमें रिकॉर्ड हुई हैं। बाय द वे जहाँ तक की भी रिकॉर्ड हुई होंगी वो आपने देख ही ली होंगी इससे पहले, क्योंकि मैंने एडिटिंग में सारी फ़ोटोज़ डाल दी होंगी। तो गाइज आज का शूट यही था, और आप ज़रूर बताना कि आपको फ़ोटोज़ कैसी लगी हैं। बाय द वे आज की फ़ोटोज़ बहुत प्यारी प्यारी आई हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ जाई हैं, और एडिटिंग करके मुझे बिलीव है कि मैं बवाल कर चुका हूँ फ़ोटोज़ को और ज़्यादा। तो मेरे साथ था आज अजीम, वो फ़िलहाल उधर खड़ा है, उसकी हालत कैमरे के सामने आने वाली नहीं है, समझ सकते हो आप प्रस्ताव को। तो बाय द वे अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं चिल्ला भी सकूँ, अभी तो 5-6 किलोमीटर और पैदल घर पर भी जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।